कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, लेकिन मैं कहता हूं जैसा होगा मन वैसा बनेगा भोजन। 45 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर, 52 डिग्री टेम्परेचर तक दिल्ली का टेम्परेचर चला गया था, लेकिन हमारे घर की जो गृहिणी हैं, माताएं, बहनें, पत्नियां हैं, वो किसी भी डिग्री का न ध्यान रखती है न ख्याल रखती है। एक ही ख्याल रहता है उनके मन में कि उनके परिवार का पेट अच्छे से भर जाए। खुश होकर खाना बनाती हैं। जिस किचन में कोई भी पति या भाई या जो भी जेंट्स हैं, 2 मिनट तक खड़ा नहीं हो सकते, उस किचन के अंदर वो खुशी खुशी जितना भी भोजन है खुशी खुशी भोजन बनाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनका परिवार पेट भर के खाए, खुश होके खाए। तो एक सल्यूट तो बनता है सभी गृहिणियों के लिए जो खुश होकर के कितनी भी गर्मी सहन करके अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और कोशिश करती हैं, दुआ करती है भगवान से कि उनका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, स्वस्थ रहे। तो एक बिग सल्यूट सभी गृहिणियों के लिए।